लेकिन मेरे को ये डर है पीछे से अगर उनको पता लग गया मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेरी जब बच्चों को पैसा मिलेगा ना तो पापा भी चेंज हो जाते हैं। कोई सच्चे प्यार को पाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, समझ में आ रही है बात? करना कुछ नहीं है, होटल चलो, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। यार मुझे यार मैं तुम्हारे बिना ना रह नहीं पा रहा। ये पार्क है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता पार्क है, दुनिया क्या देखे, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं। बहुत अच्छे, मैं नहीं जाऊंगी। वो भाग गई उसके साथ, अपने यार के साथ। हाँ, बोल दो, दुनिया वाले तो बोलते हैं, दुनिया वालों का काम है बोलना। हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? मैं हूँ तस्मुश वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं राकेश जी, और राकेश जी के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो राकेश जी एक बार बताइए कि क्या बात हुई है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को कम से कम 15 साल हो चुके हैं। अच्छा। और मेरी बीवी का जो रिलेशन था वो किसी और बंदे से था पहले, मेरे को शादी के बाद पता चला, और वो भी मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी बीवी का तो रिलेशन था इससे और तुमने शादी कर ली। लेकिन मैंने उसकी उनकी परवाह ना करते हुए अपनी फैमिली को चलाया। लेकिन अब 15 साल हो चुके हैं और वो फिर इसी हरकत में आ गई है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं मेरे पड़ोस में, तो वो बताते हैं कि वो 4 बजे जाती है पार्क में। अच्छा। हाँ, तो 4 बजे उससे जाके मिलती है। तो आज मैंने क्या किया है कि मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेके, लंच टाइम से छुट्टी ले ली मैंने, तो मैं 4 बजे अपने पार्क में यहाँ पे आ गया हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसी पार्क में वो लोग आने वाले हैं? हाँ, इसी पार्क में आने वाले हैं। तो कोई नहीं, हम लोग वेट करते हैं और आप उन्हें लाइव पकड़ना, ठीक है? ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखो मेरी बीवी आ रही है, वो सही है आपकी वाइफ? हाँ। कैमरा टर्न करना। तो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए और इसको इस उम्र में ये वाली चीज़ें सूझ रही हैं? कोई नहीं, हम लोग छिप जाते हैं, ठीक है? इनको शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, ठीक है, हम छिप जाते हैं माइक के जरिए और वेट करते हैं कौन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए कैमरा ऑन रखना। और कैसे चल रहा है? पता है मैं बड़ी मुश्किल से छुप के आई हूँ मिलने आपसे। और क्या वो आयो? अरे वो तुम्हें पता ही है, मेरे हस्बैंड का वो है ही ऐसे, शक करते हैं हमें तो, बस वो शक करते हैं। छोड़ो ना उसको यार, तुम एंजॉय करो, मौसम कितना बढ़िया है। वो तो बात ठीक है, इसीलिए मिलने आई थी मैं, बहुत दिन हो गए। मैं ये तो दिल्ली नहीं लगता, दिल तो किसी का लगता। फोन पे बातें करने से काम नहीं चलता यार, क्या करें क्या करें यार, मन तो नहीं लगता लेकिन अब क्या करूँ, उनसे डर लगता है मुझे। वो है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मैं हूँ ना, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अब शक हो गया है कि मैं किससे बात करती हूँ, ये नहीं, सारा नहीं, होने कुछ उनको शक पता कोई है नहीं। वो समझते हैं कि हम, मैं किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ। हमने अब कुछ दिनों में शादी कर लेनी है, शादी तो कैसे करूंगी? भाग जाएंगे यहाँ से, गोवा चलेंगे, एंजॉय करेंगे, बढ़िया लाइफ जिएंगे। वो बात आपकी तो ठीक है, पैसा मैंने कमा लिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे बच्चे को क्या होगा ये बताओ ना? बच्चे को भी वहीं ले चलेंगे? बच्चों को तो वहीं ले चलेंगे, लेकिन फिर वो जब उनको पता लग गया ना, वो मेरे को तुम्हें नहीं पता, वो मुझे पार डालेगा। अरे यार मैं उसको कटवा दूंगा, मेरे पास सब जुगाड़ है। देखो मेरी बात सुनो, मैं उसे मरवा दूंगा, तुम्हें नहीं पता, उसकी टेंशन ना लो तुम। देखे ठीक है, हम करेंगे एंजॉय, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, समझ में आई बात? अब ये छुप छुप के मिलना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो है ऐसा इंसान गंदा। वो कुछ नहीं है, वो गंदा बंदा, सब उसके लिए गंदा इंसान मैं ले आऊँगा, उसको ले जाएगा कोई उठा के, ठीक है? हम अपना एंजॉय करेंगे, अपना गोवा चलेंगे, ठीक है? अपने पैसा वैसा फुल है, चलें आज होटल चलें। होटल? अरे टाइम क्या हो गया होटल? टाइम तो अभी 2:30 बजे है सिर्फ। अरे वो मैं पता कैसे निकल के आई हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आए थे, उनको बिठा के आ गई हूँ मैं, बोल के आई हूँ मैं मार्केट तक जा रही हूँ। तुम बच्चों के लिए ले जाओ, मैं मैकडॉनल्ड्स से मंगा लेता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना वाना तो मैं उनको दे के आई हूँ, बना के। लेकिन मेरे को ये डर है पीछे से अगर उनको पता लग गया मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेरी कुछ नहीं करेगा यार, कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करेगा वही वाक्य में यार, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता यार, मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, रह तो मैं भी नहीं सकती, मेरा भी मन नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो आदमी मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं देता। उस आदमी को छोड़ो, मेरे को सारा दिन बस कुत्ते की तरह लगा ही रखता घर के अंदर। मैं उस आदमी को 2 लाख रुपए दे के मरवा दूंगा, ठीक है? हम जिंदगी जियेंगे बढ़िया, ठीक है? बच्चे रहेंगे खुश, कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने की रहने की कोई टेंशन नहीं है, फ्लैट है मेरे पास बढ़िया गोवा में, अपना आराम से सुबह अपना जाएंगे बच्चे स्कूल और हम करेंगे एंजॉय, और कोई कमी है वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बच्चे फिर वही है ना, वो तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि क्या बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे, बच्चों को जब पैसा मिलेगा, बच्चों को एंजॉय मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, बढ़िया रहन सहन मिलेगा, बच्चों ने क्या करना है?
ठीक है ना, तुम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, अरे वो, मेरी बन के रहो। वो अपने पापा को नहीं समझते ना, लेकिन वही है वो भी डरते हैं पापा है, से। जब बच्चों को पैसा मिलेगा ना तो पापा भी चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा चीज ऐसी है, बच्चों को पैसा वैसा मिलेगा, खुला रहन सहन वो देता तो है नहीं कुछ तेरे को, वो यही तो चक्कर है ना, तो कुछ देता है ना, वो वैसे मेरे को टाइम देता है, दिन रात पता नहीं किससे फोन पे बातें करता रहता है, और मैं किससे बात करूँ तो उसको ये शक हो जाता है किससे बात कर रही, मेरे फोन की चैटिंग दिखता रहता है कि कहाँ क्या कर रही है क्या नहीं, इतना बहुत पागल है वो, मेरे को डर लगता है खुद बहुत। नहीं तो उसको छोड़, अब तो मेरे साथ रहे यार, हम देख बड़े टाइम बाद मिले और ठीक है, हम इकट्ठा ही रहेंगे अब, और हमने जो है ना ले दे के जिंदगी जीनी है खुल के, बस सोच लिया ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया लाइफ जिएंगे, बढ़िया मस्त रहेंगे। यार मैं तुम्हारे बिना ना कहीं रह नहीं पा रहा हूँ, और समझ रहे हो मेरी बात, मैं जो है ना, आप देखो मेरी बात सुनो, इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे, ठीक है, अब भी अगर इंजॉय नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं खुद घर से निकल नहीं पाती हूँ यार, मेरी बात सुनो, छुपक छुपक पता लग गया ना मेरे बारे में तो मुझे डर लगता है, उसको कुछ नहीं पता लगेगा, उसे पता ही नहीं है कि हम इस पार्क में बैठे हैं, वो तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता, उनका कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता, ऐसे चंडाल आदमी है, तुम्हें नहीं पता कुछ नहीं, कितना भी कितना भी समझदार हो उसे नहीं पता लगने दूंगा, मेरे को डर लगता है। और पता है, अब मेरी बात सुनो, सारी बातें छोड़ो, हम चलते हैं होटल, बढ़िया खाना वाना खाते हैं। नहीं होटल नहीं जा सकती, लेट हो जाऊंगी, फिर अगर वो घर में पीछे से आ गए तो वो मेरी जान खा देंगे, मैं पैक करा दूंगा, बढ़िया रिफ्रेशमेंट, मुझे टेंशन नहीं है, सबसे बड़ी बात है वो घर अगर पीछे से आ गए तो वो बच्चों को मैं नहीं दिखी, कह देना फ्रेंड को मिलने गई थी, खा जाएंगे, और कुछ नहीं, कह देना किट्टी पे गई थी यार, किट्टी पार्टी गई थी, वो बहाने होते यार लेडीज के पास, यार वो बहाने की बात नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता वो है कैसा आदमी, वो मुझे घर से भी बाहर बड़ी बच्चों से कितना भी समझदार हो, लेकिन औरत से समझदार नहीं हो सकता वो इंसान, जितनी औरत समझदार होती है ना इंसान उतना समझदार नहीं होता, समझ में आई, तुम कोई भी बहाना लगा देना, तुम कह देना मैं किट्टी पार्टी गई थी, बस खत्म बात, कोई टेंशन ही नहीं, चलो हम चलते हैं होटल, बढ़िया खाना वाना खाएंगे, ठीक है, बच्चों के लिए पैक कराएंगे, और मैं तुम्हें बढ़ जाते हुए गाड़ी से छोड़ दूंगा, आज मौसम बहुत अच्छा है यार, मेरा तो किस करने का बहुत मन कर रहा है तुम्हारे को यार, क्या बताऊँ, बहुत बहुत मन कर रहा है, क्या करूँ मैं, सच्चे प्यार को पाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, समझ में आ रही है बात, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, करना कुछ नहीं है, होटल चलो, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं बस, चलो फिर टाइम से फ्री हो जाना, ये ना हो कि उनको पता लग गया ना घर में तो मेरी जाना पता चल जाएगी, एक दो घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना, चलते हैं, ठीक है, आप बैठो तो सही, चलते हैं एक बारी, चलने देखे ना, तुम देखो अब मेरे साथ ही रहो, उसके चक्कर में ज़्यादा मत रहो, उसने तुम्हारी ज़िंदगी जो बर्बाद करनी थी कर दी, अब तुम मस्त रहो, खुश रहो, तीन चार फोन ले लो बढ़िया, ठीक है, मैं गाड़ी वाड़ी ले देता हूँ तुम्हें, और अपना बढ़िया मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा सोचने की बात ही नहीं, यार मुझे यार मैं तुम्हारे बिना ना रह नहीं पा रहा, ये पार्क है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होता, है यार, कुछ नहीं होता, पार्क है, दुनिया क्या देखे, कुछ नहीं होता यार, कुछ बहुत अच्छे, क्या कर रही है ये, क्या है तुम्हें, क्या है बोलो, ये कौन है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, तेरे को शर्म नहीं आती, नहीं मेरे को शर्म आती, तुमने आज तक मेरे लिए करा क्या है, तेरी शादी मेरे साथ हुई है, इसके हाँ? साथ हुई है, तेरे साथ हुई, तूने आज तक मेरे को दिया क्या है ये बता पहले, तेरी हर जरूरत पूरी करता हूँ, समझ क्या, क्या जरूरत करता है, दिन रात तो तू मेरे ऊपर टेंशन दे ही रखता, और कुछ नहीं ना, तू आज तक मेरे को कभी टाइम देता ना मेरे बच्चों का, तो शादी मेरे साथ क्यों की, क्यों मेरे, वो तो माँ बाप ने चेप चेप दिया तेरे हाले, समझ आई, मैं तो इससे प्यार करती थी, देख तुझे समझा रहा हूँ, घर चल पड़े, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, भाई तू इसके पीछे कैसे लग रहा है ये बता, इससे तेरे को क्या मतलब बोलने का, पुराना प्यार, बस हमारा पुराना प्यार है, पुराना प्यार है, प्यार क्या भाड़ में, तुम्हारी शादी से पहले का प्यार है, आज तक तुमने दिया क्या है मुझे ये तो बताओ, इसको खुश तो रख, ये देखो आज तक तुमने मेरे को खुश नहीं रखा, कुछ नहीं, तेरी जिंदगी तो खराब, तूने तो कर दी इसकी जिंदगी खराब, ना तो इसको खुश रखता है यार, ना तो कुछ इसको दे पा रहा है, भाई मेरा घर है, मेरी फैमिली है, तुझे क्या मतलब भाई, अरे मैं तुझे नहीं, तो मेरे को तो है ना, बस मेरे को नहीं रहना, ये मेरा पुराना प्यार है, मैं आज प्यार है, आज कर ले, क्यों हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले, इससे हाथ नहीं छोड़ने वाला, बस ठीक है ना, नहीं जाएगा, ये है मेरा पुराना प्यार और सच्चा प्यार, ठीक है ना, तुमने तो इससे शादी तो कर ली, ना तो तुम इसको टाइम देते हो, ना मेरे को खर्चा पानी, ना कुछ, मेरे को घर से निकलने नहीं देना, कुछ नहीं, मेरे फोन को देखते रहना, मेरा प्यार, मेरे को बांध के रखा हुआ, नौकरानी की तरह रखा हुआ, घर नहीं जाएंगे, क्यों तुम पीछे हटो, पीछे इसका हाथ छोड़, नहीं ये मेरा पुराना प्यार है, ठीक है,
तुमने अगर इसका खुश नहीं रखना था तो तुमने शादी क्यों की? तू ले जाके दिखा दे। हाँ, मैं जाऊंगी इसके साथ। ये मेरे साथ ही जाऊंगी। देखो, तलाक ही नहीं दिया कैसे जाएगी? तो तुम तलाक नहीं दिया तो क्या, तलाक तो मैं दे दूंगी दो मिनट में। दो मिनट में मैं तो नहीं दूंगा ना। तुम मत दियो, कोई बात नहीं। आजकल तलाक नहीं होता तो कोई जरूरी थोड़ी ना है भाई। ऐसा है ना, देखो, या तो तुम इसको खुश रखते हैं या इसको कहीं घुमाओ फिराओ। तुम घूमते तो किसी और के साथ, शादी कर ली इसके साथ। तेरा कोई मतलब नहीं है हमारे बीच में आने का। मतलब क्यों नहीं है यार, मेरा पुराना प्यार है ना यार। ये मतलब क्यों नहीं है? प्यार कुछ नहीं होता, शादी करी हुई है यहाँ तो शादी करी हुई है तो मैं तो इसको चाहती हूँ ना भाई। आजकल शादी शुद्धी वाला कोई सीन नहीं चलता। जहाँ प्यार होता है, जहाँ पैसा होता है, वही गाड़ी छोड़ दे। मैं इसका इसका छोड़ दे, छोड़ दे। देखो, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। बस मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। आपस में देख लो, तुम मैगरी हो ठीक है, नहीं तो भैया तो मेरा पुराना प्यार है। मैं यहाँ से चला जा। मैं नहीं जाने वाला, मैं अपने प्यार को छोड़ने वाला ही नहीं। बोल दिया ना, तुझे शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही मेरे को शर्म। आज तक तुमने करा क्या है? क्या करा है? बच्चे हैं तो वो भी डरते हैं कि वो भाग गए उसके साथ, अपने यार के साथ। हाँ, बोल दो। दुनिया वाले तो बोलते हैं, दुनिया वालों का काम है बोलना। अगर तू नहीं मानी ना, मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। हाँ ठीक है, तलाक दे दियो, जा। तलाक दे दूंगा। हाँ, दे दियो। और एक बात सुन ले, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तू भी सुन ले। हाँ, नहीं आएगी, दोबारा घर में नहीं घुसने दूंगा। ये नहीं आएगी अब, ये मेरे साथ रहेगी। बच्चे मेरे पास रहेंगे, किसी के पास नहीं रहेंगे। बच्चे मैं अपने आप ले लूंगी। बच्चे गोवा रहेंगे। जा जा, मैं देख लूंगी अपने बच्चों को। तू जा, आओ प्यार, आओ। हाँ बस चलो, आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। अरे बच्चे यार, कमाल है। पैसा वैसा देता नहीं है, बीवी को खुश रखता नहीं है, टाइम देता नहीं है। जिसको बीवी चाहिए, ऐसे थोड़ा बीवी फ्री में मिलती है बीवियाँ। बीवी को रखने के लिए पैसा चाहिए होता है, बहुत दौलत चाहिए होती है। जब देखो घर पे भी मारना, यहाँ भी मारना, मारना, हाथ उठा रखे। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं अभी डॉक्टर से इलाज करा दूंगा, दिखा दूंगा अभी डॉक्टर, अभी अच्छा डॉक्टर से दिखवा दूंगा, अच्छी गोली दिखा दूंगा। चलो मेरे साथ चलो, तुम खाओ पियो, इंजॉय करो, आओ छोड़ो। चलो हम भी चले, आ जाओ, चलते हैं। बिना पैसे के बीवियां थोड़ा